कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यदि आप किसी से मनचाहा प्रेम करना चाहते हैं, मनचाहा शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पल भर में किसी भी लड़की को हम पटा ले, उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर ले, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसान है। सिर्फ दो लवंग और काले धागे का वशीकरण टोटका है। ये इतना आसान है कि आप भी आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। ये इतना पावरफुल है कि मैं महीने में कम से कम इसका प्रयोग 150 बार करता हूँ। इस टोटका का महीने में 150 बार प्रयोग करता हूँ और 150 लोगों का वशीकरण मैं करता हूँ। एकदम पावरफुल होता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए बतलाते हैं कि कैसे सिर्फ दो लवंग से और काले धागे से किसी भी लड़की को अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं, एकदम मजबूर कर सकते हैं, वो आपसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाएगी। मान लीजिए कि आप किसी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपको प्यार नहीं करती, भाव भी नहीं देती है, आपसे बात ही नहीं करती है, तो आपको सिर्फ इसी वशीकरण का एक प्रयोग कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल, आपका प्यार आपको जल्द ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, बहुत ऐसे देखा जाता है कि कोई भी कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा महिला हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कुंवारी लड़की को वश में करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा महिला का वशीकरण करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं, किसी पुरुष को वश में करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्त, कोई भी इंसान हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हिंदू या मुस्लिम हो, या कोई भी कुंवारी लड़की हो, या शादीशुदा महिला हो, या कोई भी पुरुष हो, किसी को भी आप वश में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हर कोई कर सकता है, बहुत ही आसान है। तो आइए बतलाते हैं कि आपको कैसे सिर्फ दो लवंग और काले धागे से आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, उसके दिलो दिमाग में अपना मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, वो खुद आपके पास चलकर आएगी, आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। तो आइए बतलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आपका प्यार रूठ गया है, आप उसे पाना चाहते हैं दोबारा, तो आप इसका प्रयोग कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। हाँ, वशीकरण जब भी कीजिएगा तो विश्वास के साथ में कीजिएगा, आपका वशीकरण जरूर होगा। तो आइए बतलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, देखिएगा, सबसे पहले वशीकरण को करने के लिए, किसी लड़की को वश में करने के लिए, सबसे पहले आपको वशीकरण को समझना जरूरी होगा कि इस वशीकरण को कैसे करना है, किस दिन को करना है। उसके बाद में तो आपका वशीकरण होगा ही, कोई भी लड़की होगी आपके प्यार में एकदम पागल हो ही जाएगी। तो आइए बतलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। दो लवंग लेना है, दोनों लवंग को क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में काले धागे लेना है और इस पे 7 बार काला धागा लपेटना है, और 7ों बार जिस लड़की का वशीकरण आप कर रहे हैं, जिसको अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं, आप जिसको अपना बनाना चाहते हैं, जिसे मनचाहे शादी करना चाहते हैं या मनचाहा प्रेम करना चाहते हैं, उसका नाम 7 बार लेकर इस पे काले धागे से 7 बार क्या करेंगे, धागा लपेट देंगे, काला धागा, ठीक है ना। काला धागा जैसे ही 7 बार लपेट देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना, ध्यान से देखते रहिए, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, किसी को भी वशीकरण करवाने के लिए 1 रुपया भी ना दे, सावधान रहे, किसी को भी 1 रुपया भी ना दे वशीकरण के लिए। तो आइए बतलाते हैं, जैसे ही ये काले धागे में दोनों लवंग को इस तरह से बांध लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको अपने हाथ में, बाएं हथेली में इस प्रकार से लेकर के आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जब भी आप वशीकरण कीजिएगा, एकदम शुद्ध होकर, फ्रेश होकर कीजिएगा, यानी कि स्नान कर लीजिएगा, साफ कपड़ा कोई धारण कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी रंग का कलर का कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, जैसे ही काला धागा इस पर लपेट दीजिएगा 7 बार लड़की का नाम लेकर के, इसको बाएँ हथेली में रख लेंगे। इस प्रकार से रखने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ को क्या करेंगे, इसके नीचे से लगा लेंगे, ठीक है ना। बाया हाथ ऊपर से और दाहिना हाथ नीचे से, ठीक है ना। और ऊपर बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे ये लवंग रहेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इस शब्द का प्रयोग करना है उस लड़की का नाम लेकर। मान लेते हैं कि उस लड़की का नाम है यहाँ पे सुनीता कुमारी, ठीक है ना। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको वश में करना चाहते हैं, उसका जो भी नाम हो यहाँ पे आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि सुनीता कुमारी का हम वशीकरण कर रहे हैं, तो सुनीता कुमारी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, ध्यान से देखिए, ओम त्रेम 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 सुनीता कुमारी, ठीक है ना। इस प्रकार से बोल देना है, ओम त्रेम 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 सुनीता कुमारी।
एक बार बोल देंगे इस तरह से, इस पर एक बार फूंक मार देंगे, इस लवंग पे काले धागे पे एक बार फूंक मार देंगे, फिर दोबारा करेंगे इस तरह से बोलेंगे, दोबारा फूंक मारेंगे। इस प्रकार से आपको 108 बार बोलना है और लड़की का नाम भी साथ में बोलते रहना है और इस पर फूंक मारते रहना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्त लोग, आपका आधा से बेसी काम हो गया है, बस पल भर में ही आपका प्यार आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे भक्त, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों लवंग है काले धागे के साथ में, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस मोमबत्ती पे किसी भी मोमबत्ती जला लीजिए या दिया जला लीजिए, किसी प्रकार का आगी हो, ठीक है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, इस दोनों लवंग को क्या करना है, अपने सामने ही जला लेना है, अपने सामने इसी प्रकार से क्या करना है, जला लेना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम जला रहे हैं, जैसे ही इसको जलाइएगा मेरे प्यारे प्यारे भक्त, जैसे ही ये पूरी तरह से जल जाएगा, जैसे जैसे जलता रहेगा, उस लड़की के दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भरता रहेगा और उसके दिलो दिमाग में आपके लिए इतना प्यार भर जाएगा कि वो पल भर में आपके लिए बेचैन हो जाएगी, ट्रप उठेगी आपके लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी, और एक बार जो आपके पास आ जाएगी जीवन में आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और जो लड़की आपको छोड़कर चली भी गई है, आपको प्यार में धोखा भी दे दी है, तो वो खुद चलकर आपके पास आएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी और जीवन में कभी भी दोबारा छोड़कर नहीं जाएगी। जैसे ही ये पूरी तरह से जल जाए, ठीक है ना, हम पूरी तरह से यहाँ पर नहीं जला रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये पूरी तरह से जल जाए, इसके बाद में क्या करना है, इसका जो राख बनेगा मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इस दोनों लवंग का काले धागे का जो राख बनेगा, इस राख को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, अपने पर्स में रख ले या इसको अपने पॉकेट में रख ले, छोटी सी मात्रा में कागज़ में इसको रख ले, कागज़ में रखने के बाद में पर्स में रख ले या अपने पॉकेट में रख ले। रखने के बाद में आपको क्या करना है, जिस लड़की का आप उसीकरण किए हैं, जादू टोना यहाँ पर किए हैं, उस लड़की के सामने आपको क्या करना है, बस जाना है और ढीठे आपको विश्वास के साथ में आपको बात करना है उससे। मेरा दावा है कि जब तक ये आपके पास में है, वो लड़की आपसे गुस्सा नहीं करेगी, एकदम प्यार से बात करेगी, पल भर में आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी। जैसे उसके सामने आप जाइएगा, एक शब्द बोलिएगा, वो आपसे चार शब्द बोलेगी प्यार की बातें, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ये बहुत ही पावरफुल है, एक बार कर लीजिए, हमेशा आप जीवन में 10 बार जितना मर्जी उतना लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, पटा सकते हैं। मैं इसका प्रयोग बहुत बार किया है, मैंने इसका प्रयोग बहुत बार किया है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत आसान भी है और आप भी आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आपको समझने में जहाँ भी दिक्कत हो गया होगा इस टोटका में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप हमेशा सावधान रहिएगा, किसी को भी वशीकरण करवाने के लिए आप 1 रुपया भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि ठगने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे भक्त लोग। असली नकली का पहचान कीजिए, आप किसी को भी 1 रुपया भी ना दे वशीकरण करवाने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे भक्तों।